तो गाइस इसकी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड अ ह्यूमन फेस। तो किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ह्यूमन फेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना होगा ह्यूमन फेस को। तो किसी भी ह्यूमन फेस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आइज हो गया, हेड हो गया, नोज हो गया, लिप्स हो गए और हेयर्स। यही कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि एक परफेक्ट प्रोपोर्शन रेशियो में बटे होते हैं, एक परफेक्ट रेशियो में सजाया हुआ होता है, जिससे कि हमारा फेस जो है कम्प्लीट होता है। तो ये हम लोगों को पहले समझना होगा, तभी जा कर के हम लोग किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई जैसा कि इस फोटो में आप लोग देख सकते हो, इसकी आई जो है एक डिफिनेट प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं है। इसकी आप आई देखोगे ना, ये बिल्कुल एक लाइन में है। इसका जो आई जो है बिल्कुल एक लाइन में है। नोज भी आप देखोगे जस्ट थोड़ा सा नीचे है, जस्ट थोड़ा सा नीचे। अगर नोज लंबी हो या चौड़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस एक ही साइज में होता है, एक ही प्रोपोर्शन में होता है बटा हुआ। अगर वो इधर उधर होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बात आपको पोर्ट्रेट बनाते वक्त ध्यान रखनी है। लिप्स भी देखोगे तो जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिप्स है, लिप्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारा ठुड्डी होता है। तो ये सबको एक अरेंज वे में हम लोगों को सजाना होगा, तब जा करके हम लोग एक फेस को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। गाइस जैसे मैं इस फेस के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ, आप लोग देख सकते हो जो आई है, आई की लाइनिंग जो है, दोनों आई की, चाहे वो आई ऐसे किया हुआ है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दोनों की जो लाइनिंग है देख रहे हो बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। एक एक बिल्कुल एक प्रोपोर्शन में बटा हुआ है। नोज में भी आप लोग देखो तो बिल्कुल ट्राइंगल टाइप का बन रहा है ना, तो नोज बस उतने में ही रहता है, चाहे नोज लंबा हो चौड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका आपको ध्यान रखना है किसी भी ह्यूमन फेस को ड्रॉ करते वक्त, इसलिए पहले मैं बोल रहा हूँ पहले ह्यूमन फेस को समझना होगा। लिप्स में भी आप लोग देखे होंगे तो जस्ट फिक्स साइज का लिप्स होता है किसी का भी, चाहे वो लंबा हो मोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जस्ट थोड़ा सा नीचे होता है नोज से, बस थोड़ा सा नीचे होता है। अब आई से ऊपर ले लो तो आई के ऊपर देखोगे तो हेड भी थोड़ा सा चौड़ा होता है, हेड सबका थोड़ा सा, किसी का कम चौड़ा होता है, ज़्यादा चौड़ा होता है। वो अगर बाल थोड़ा नीचे टाइप नीचे झुका हुआ है ना, तो किसी का चौड़ा लगता है, किसी का पतला लगता है, जस्ट उसी कारण ऐसा होता। सबका हेड एक ही तरह का चौड़ा है, और हेयर तो सबका अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो हम लोगों को हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को हर एक चीज़ बताया। अब गर्ल्स में भी सेम चीज़ होगा, गर्ल्स में भी देखो आई जो है बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में, सेम बिल्कुल सेम लाइन में। नोज भी आप इसमें देख सकते हो एक परफेक्ट साइज़ का नोज है, तो इसमें भी लिप्स जो है बस थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। आप इसमें हेड भी देख सकते हो उतना ही चौड़ा है, ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा बहुत जो लग रहा है वो हेयर्स के कारण लग रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो।